हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी लाइन वीडियो। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम बैटमैन अर्कम अजाइलम गेम के ऊपर बात करेंगे। गाइस, बैटमैन अर्कम अजाइलम गेम की स्टोरी जानने से पहले आप लोग को बैटमैन अर्कम ओरिजिन्स गेम की स्टोरी का पता होना जरूरी है। बैटमैन ओरिजिन्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अदरवाइज आप लोग सर्च करके भी उसको देख सकते हो। सो विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बैटमैन अर्कम अजाइलम गेम की स्टोरी की शुरुआत होती है बैटमैन अर्कम ओरिजिन्स की स्टोरी के 5 साल बाद। अर्कम ओरिजिन्स के एंड में बैटमैन जोकर को पकड़वाकर ब्लैक गेट प्रिजन में डलवा देता है, जहां पर जोकर को हर्लिंग की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जहां पर हर्लिंग ब्लैक गेट प्रिजन से भागने के लिए जोकर को हेल्प करती है। हर्लिंग की हेल्प से जोकर फाइनली एस्केप कर जाता है और इसके बाद हर्लिन को भी रिसर्च के लिए अर्कम अजाइलम भेज दिया जाता है। ब्लैक गेट प्रिजन से भागने के बाद जोकर वापस से क्राइम करने शुरू कर देता है और बैटमैन फिर से एक बार जोकर को पकड़ लेता है। गेम की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि बैटमैन जोकर को पकड़कर अर्कम अजाइलम लेकर जाता है, क्योंकि जोकर बहुत ही आसानी से इस बार पकड़ा गया था, इसलिए बैटमैन को उस पर शक होता है। और फाइनली जोकर अपने रंग दिखा देता है, वो गार्ड्स पर हमला कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जोकर कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और वहां तक पहुंचने में हर्लिन उसकी मदद करती है। कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद जोकर ये धमकी देता है कि उसने गॉथम सिटी में बॉम्ब प्लांट किए हुए हैं और अगर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो बॉम्ब ब्लास्ट करवा देगा, जिसके बाद जोकर कमिश्नर गॉर्डन को भी किडनैप करवा लेता है, जो कि अब हर्लिन के कब्जे में है, जहां पर हर्लिन अब हर्ली क्विन बन चुकी है, मींस ये उसकी न्यू आइडेंटिटी है। जिसके बाद बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन को बचाने के लिए हर्ली क्विन को फाइंड करना शुरू करता है, जिसके बाद एक टॉक्सिक की वजह से बैटमैन को हेलोसिनेशंस होने लगते हैं। होश आने के बाद बैटमैन फाइनली मेडिकल फैसिलिटी पहुंचता है, जहां पर हर्ली क्विन ने गॉर्डन को बंदी बना रखा था। हर्ली को डिफीट कर बैटमैन गॉर्डन को फ्री कराता है, जहां पर गॉर्डन बैटमैन को एक रूम की तरफ जाने को बोलता है, जहां पर बैटमैन का सामना बेन से होता है और हम देखते हैं कि बेन अब काफी वीक हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जोकर बेन के अंदर टाइटन इंजेक्ट कर देता है, जिससे बेन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद बैटमैन और बेन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, जिसके बाद बैटमैन गॉर्डन को सेफली गॉथम सिटी जाने को बोलता है, क्योंकि अर्कम अजाइलम गॉथम सिटी से बाहर था और बैटमैन अब जोकर से लड़ने के लिए अकेला पड़ गया था, क्योंकि पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए पूरी गॉथम सिटी को रिस्क में नहीं डाल सकती थी, बिकॉज जोकर ने बॉम्ब प्लांट किए हुए थे। जिसके बाद बैटमैन अपनी सीक्रेट बैट केव तक पहुंचता है, जो कि उसने इमरजेंसी के लिए बनाई थी, जहां पर बैटमैन को जोकर के अर्कम अजाइलम आने के रियल प्लान के बारे में पता चलता है। असल में हुआ ये कि डॉक्टर पेनेलोप यंग अर्कम अजाइलम में बेन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च में डॉक्टर यंग टाइटन नाम का एक फॉर्मूला बना रही थी, जो बेन को और भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाता। इस फॉर्मूले को पाने के लिए जोकर पिछले 1 साल से डॉक्टर यंग को पैसे ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर यंग को ये पता चलता है कि जोकर टाइटन की हेल्प से कई सारे मॉन्स्टर बनाकर गॉथम सिटी पर अटैक करना चाहता है, तभी डॉक्टर यंग इस रिसर्च को रोककर जोकर को उसके पैसे वापस करने के बारे में सोचती है। जिसके बाद डॉक्टर यंग की रिसर्च के नोट्स को हासिल करने के लिए जोकर एक प्लान बनाता है। इस प्लान के अंडर जोकर जानबूझकर क्राइम करता है, ताकि बैटमैन उसे पकड़कर अर्कम अजाइलम में डाल दे। अब ये सोचकर कि जोकर उन नोट्स तक ना पहुंच जाए, बैटमैन खुद ही उन नोट्स को ढूंढकर उन्हें जला देता है। यहाँ पर नोट्स तो खत्म हो गए, लेकिन जोकर के हाथ कुछ ऑलरेडी बने हुए टाइटन सैंपल्स लग जाते हैं। इसके बाद बैटमैन डॉक्टर यंग को ढूंढता है, जिन्हें जोकर के आदमियों ने ही बंदी बना रखा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बैटमैन डॉक्टर यंग को बचा लेता है। डॉक्टर यंग यहाँ पर बताती है कि उसने फॉर्मूला कैसे बनाया था, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जोकर के लगाए हुए बॉम्ब प्लांट की मदद से डॉक्टर यंग की मौत हो जाती है। इसके बाद बैटमैन हार्ली को ढूंढता है, जहां पर हार्ली
पॉइजन आईवी को उसके सेल से फ्री कराती है। फ्री होने के बाद पॉइजन आईवी बोटेनिकल गार्डन पहुंच जाती है। दूसरी तरफ हार्ली बैटमैन पर अटैक करती है और बैटमैन उसे एक सेल में लॉक कर देता है, जहाँ पर हार्ली गुस्से में बैटमैन को बता देती है कि बोटैनिकल गार्डन में जोकर की एक सीक्रेट लैब है। इसके बाद बैटमैन बोटैनिकल गार्डन में जोकर की बनाई हुई सीक्रेट लैब तक पहुँचता है, जहाँ पर जोकर के कुछ आदमी टाइटन ड्रग लेकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, पर बैटमैन दोनों को डिफीट कर जोकर की फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर बैटमैन को ये पता चलता है कि टाइटन ड्रग के एंटीडोट को जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट के मदद से बनाया जा सकता है, जहाँ पर बैटमैन सोचता है कि शायद पॉइजन आईवी इस काम में उसकी मदद कर सके। शुरुआत में तो पॉइजन आईवी बैटमैन की मदद करने से मना कर देती है, बट बाद में समहाउ वो मान जाती है, जहाँ पर पॉइजन आईवी ये बताती है कि इस क्योर को बनाने के लिए कुछ स्पेशल सीड्स चाहिए होंगे, जो कि सिर्फ किलर क्रॉक के सीवर में ही मिलेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता कि किलर क्रॉक कौन है, सो आई रिपीट अगेन गाइज, पहले जाकर मेरी बैटमैन अर्कम ओरिजिन्स वाली वीडियो देख लो, आप लोग को स्टोरी समझने में आसानी होगी। आफ्टर दैट बैटमैन वो सीड्स लेने के लिए किलर क्रॉक के सीवर तक पहुंचता है। दूसरी तरफ जोकर आईवी के प्लांट्स में टाइटन इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से इन प्लांट्स का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। दूसरी तरफ बैटमैन सीवर में से सीड लेने के बाद निकल ही रहा होता है कि तभी किलर क्रॉक उस पर अटैक करता है, लेकिन बैटमैन वहां से बच निकलता है और सीधा बैट केव पहुंचता है, जिसके बाद बैटमैन बैट केव में एंटीडोट बनाता है, लेकिन वो सिर्फ एंटीडोट की एक ही डोज बना पाता है। इतने में ही आईवी प्लांट्स बैट केव पर कब्जा कर वहां के सभी इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद बैटमैन वापस बोटैनिकल गार्डन की तरफ बढ़ता है, जहां पर बैटमैन को ये पता चलता है कि जोकर टाइटन फॉर्मूला को गॉथम सिटी के वाटर सप्लाई में मिलाने का प्लान बना रहा है, जिसे रोकने के लिए बैटमैन तीन पंप स्टेशन को डिसेबल करता है, जिसके बाद बैटमैन आईवी के प्लांट्स को फैलने से रोकने के लिए बोटैनिकल गार्डन पहुंचता है, जहां पर पॉइजन आईवी बैटमैन पर अटैक करती है, जहां पर बैटमैन पॉइजन आईवी को डिफीट कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमिश्नर गॉर्डन को एक बार फिर जोकर ने पकड़ लिया है और इस बार वो उन्हें भी मॉन्स्टर बनाना चाहता है, जिसके लिए जोकर गॉर्डन पर एक टाइटन डार्ट शूट करता है और गॉर्डन को बचाने के लिए बैटमैन इस डार्ट को अपने ऊपर ले लेता है। गुस्से में आकर जोकर टाइटन का एक शॉट अपने ऊपर भी फायर करता है, जिसके बाद जोकर एक बहुत बड़े क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर जोकर चाहता था कि बैटमैन भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन आप लोग को याद होगा कि बैट केव में ही बैटमैन ने टाइटन का एक एंटीडोज बना लिया था, जिसे वो खुद ही इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद बैटमैन जोकर से फाइट करता है और फाइनली उसे डिफीट भी, जिसके बाद टाइटन का असर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और जोकर और उसके साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को बताता है कि टू फेस ने एक बैंक पर अटैक किया है। यहाँ पर ये टू फेस का कौन सा फेस है, इस बारे में तो हमें कुछ भी गेम में नहीं बताया जाता, और अटैक का मतलब यहाँ रोबरी से है। इसके बाद बैटमैन इस रोबरी को रोकने के लिए अपने जेट में बैठकर निकल पड़ता है, और इसी के साथ बैटमैन अर्कम असाइलम गेम की स्टोरी खत्म होती है। सो गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।